हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्चना जी, इंसान की जिंदगी में सुख हो या दुख, रिश्तेदारों को पूछना ही पड़ता है। और दुख का तो मुझे पता नहीं, सुख में तो रिश्तेदार अपने आप पहुंच जाते हैं। भाई गोलू बेटे, तुम्हारे बेटा हो गया, मामा को पूछा ही नहीं। फिर मामा से पूछ के बेटा होगा। और ऐसे में कोई बोल दे ना कि बच्चे को सोने का कंगन तो मामा ही देता है, तो जो मामा कंप्लेंट करता हुआ घुसा था ना पहले दरवाजे से, वो पिछले दरवाजे से कब निकलता पता नहीं चलता। ये दिनेश ना, दिनेश इसके भांजा हुआ ना जब, तो ये गया अपनी बहन को मिलने। तो बहन की सास बोलती है, अरे आ गया, ये तो कब से वेट कर रहा है, मामा कब आएगा, सोने का कड़ा लाएगा। और ये ऊपर से छाना बंबई का पानी पिया इसने, कहता ये बोले तो सही, सोने का कड़ा क्या घड़ा दे दूं। इसको पता था दो दिन का बच्चा, बोलेगा तो है नहीं। और जब से भांजे ने बोलना शुरू किया पंजाब गया ही नहीं। और कुछ रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जिनको मिलने से डर लगता है, क्योंकि वो हालचाल बाद में पूछते, पहले आपकी इनकम पूछते, और बेटा कितने कमा लेते हो आजकल। तो आदमी फिर जानबूझ के अगर कम बता दे तो बेइज्जती करते, इससे अच्छा रिक्शा चला लेता। और अगर ज्यादा बोल दो तो अगले दिन उधार मांगने आ जाते हैं। तो समझ में नहीं आता कि इनसे इज्जत बताएं कि पैसे। कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते जो किसी की तेरहवीं पे आते हैं ना, वहां पे भी कमियां निकाल देते हैं, कमियां भी तरीके से निकालते हैं। भाई दादाजी को राजभोग बहुत पसंद था, वो नहीं बनाया। ओ गॉड, इनको खुद का मन कर रहा होता है, इन्होंने 7 साल से खाया नहीं होता। मैं रिश्तेदारों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म आ रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म, राम प्रसाद की 13वीं, जिसमें उनकी फैमिली का सामना भी कुछ ऐसे रिश्तेदारों से हो रहा है। तो चलिए फिल्म की कास्ट को स्टेज पे इनवाइट करते हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम कोंकणा सेन शर्मा, सीमा पावा, मनोज पावा एंड निनाद कामत। सीमा जी, कोंकणा, निनाद सर, मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू। देख लो इतनी बार आ चुके हैं ना मनोज सर, सीमा जी, तो मतलब अभी मैंने बोला भी नहीं, बैठ जाओ खुद ही आगे बैठो और सुनाओ। ये होती है घर की बात, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, कौन कहता है 2020 बुरा साल निकला। देख लो कोंकणा, आपको साल के लास्ट में खुशखबरी मिली गई कि आप हमारे शो पे आ रही हैं। मैंने जितनी बार आपको फिल्मों में देखा, आप काफी सीरियस दिखती हैं। आज आप बड़ी ब्लश कर रही, कहीं मुझे देखकर तो नहीं ऐसा? नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं तो बहुत सीरियस हूँ। पर आप सीरियसली काली साड़ी में जब एंट्री ली, मुझे लगा मुझे फिल्म फेयर मिल गया, पता है। हमें गुड वन। अरे सीमा जी, अभी हाल ही में मनोज सर आए थे जब हम लोग के लिए, और आज दूसरी बार फिर आप साथ में आए हैं मियां बीवी। और मनोज सर का तो आना जाना लगा रहता है, मुझे लगता है इतना तो आप ससुराल में भी नहीं जाते होंगे जितना हमारे शो पे आते हैं। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतना हंसाते हैं, मतलब मन करता है बार बार आने का। देख लो, ज्यादा मत आओ, यहाँ पर भी, यहाँ भी इज्जत कम हो जाएगी ससुराल की तरह। मतलब चलते शो में तुम अब मतलब ये करोगी यार, हद है। मतलब कहीं भी ज्यादा जाओ तो बेइज्जती हो ही जाती है। सुन रही हैं आप? नहीं, मैं क्या बात सुनी आपने? तेरे से कम ही आई हूँ। निनाद सर, आप पहली बार आए हैं। यस सर। लोगों से बहुत सुना है आपने मेरे बारे में, तो आज आपको साक्षात मुझे देख के कैसा फील हो रहा है? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता था कि शायद मैं आपके शो का हिस्सा बन सकता था बहुत साल पहले जब। Really? शायद या, तो तब मैं शायद कुछ शूट कर रहा था एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, बट वो कभी तभी हुआ नहीं, हो नहीं पाया। रिसेंटली कीको ने मेरा नाम सजेस्ट किया था फॉर समथिंग जस्ट बिफोर, मेरे ख्याल से आपने जो ब्रेक ले लिया था बीच में। ओके, ऐसे दो अपॉर्चुनिटीज आके गई एंड टुडे तब तक ब्रेक, तो फिर आप मना क्यों कर देते हैं हर बार? मैंने कहा जब आए तब ब्रेक हो गया, मैं वही बोलने वाला था कि फिर मैंने बोला कि बस यार कपिल शर्मा शो चलते रहना चाहिए और इसलिए मैं नहीं आता हूँ।
नहीं सर, मोस्ट वेलकम. आपका खुद का शो है, अपना शो है, जब आपको कैसा लग रहा है कि मेरे बगैर भी शो इतना चल गया, तो आपको कैसा लग रहा है? सर अब तो आपको बुलाना ही पड़ेगा शो में, मतलब कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है. दैट विल बी माय प्लेजर सर, माय ऑनर. ये आपने जो शर्ट का कलर पहना है, कोंकणा के चक्कर में तो नहीं पहना आपने? नहीं, पता नहीं था मुझको कि ब्लैक पहनने वाली है. सर मैं तो, मेरा तो खैर रीजन है, बिकॉज मैं पतला लगता हूँ ब्लैक में. अच्छा, पर ये किसने बोला आपको? क्या बोल रहे थे आप लोग मुझे? मनोज सर आपके पास नहीं काली शर्ट कोई? मैं काला पहनूं सफेद पहनूं, मेरे को कोई नहीं बोलता कि पतला लग रहा है. प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो डर जाते हैं, अरे तूने वेट लूज किया क्या? प्लीज यार ये मत करना यार, कंटिन्यूटी खराब. पर आप बड़े क्यूट लगते हो. अरे सर कोंकणा, आप तो वैसे ही इतनी स्लिम ट्रिम है, मतलब बड़ी फिट है आप माशाल्लाह. तो ब्लैक साड़ी पहनने का कुछ आपका फेवरेट कलर है ये? हाँ, मेरा फेवरेट कलर है. और मुझे लगा ये सेट बहुत कलरफुल है वैसे भी, तो मैं थोड़ा, मैं वैसे भी सोबर हूँ तो मैं सोबर कलर पहनती हूँ. ओके, वैसे आपका नाम बड़ा प्यारा है, कोंकणा. कोंकणा बड़ा बंगाली मिठाई जैसा नाम है इनका, कोंकणा है ना. हाँ, मुंह में मीठा मीठा सा हो जाता है जब नाम लेते हो ना आप. तेरे को तो बस सुंदर लड़की दिखनी चाहिए और तेरा ये शुरू हो जाता है. हाँ. तो क्या करें, कभी कभी देखने को मिलती नहीं, तो हमारी तो लड़कियां भी असेंबल की हुई है हमारे शो में. पर मुझे लगता है कोंकणा, आपको जब अलग अलग स्टेट के लोग मिलते हैं तो वो आपका नाम सही से प्रोनाउंस करते हैं. आई एम श्योर अगर आपको कोई पंजाबी मिले वो हमेशा कंकना बोलेगा. कंकना, कोंकणा, क्यों साउथ में तो कणकणा नहीं भी बोले? आई यूज्ड टू हैव अ साउथ इंडियन मैथ्स टीचर, शी यूज्ड टू कॉल मी कणकणा. सो आई हैव बिकम यूज्ड टू इट. पर असल में एग्जैक्ट कैसे है नाम? एग्जैक्टली है जैसे होता है ना किंग कॉन्ग, हॉन्ग कॉन्ग, कोंकणा. कोंकणा सो इजी एक्चुअली, कोंकणा. So it's a unique name, na? Yeah. Actually, amazing. Otherwise, naam itne common hote hain, jaise Kapil. No, so, jaise Archana. Shiro, no. Ye Archana bhi inhone baad mein industry mein aa rakha. Pehle inka naam Raju tha. Raju. Ninad sir, aapke baare mein suna, aap actor to hain hi, voice over artist bahut acche hain, singer bhi hain. तो इंडस्ट्री में आप कोई एम लेके आए थे कि जिद थी आपकी भी कैसे भी घुसना है? हैं? थिएटर में घुसने से पहले सोचा था कि कुछ सिंगर बनना चाहता था बेसिकली, कभी ट्रेनिंग ऐसे कभी ली नहीं. अच्छा जी. लेकिन थिएटर में भी कुछ ऐसा रोल मिला जिसमें गाना था तो बहुत खुश हो गया मैं. अच्छा जी. और उस रोल के लिए कुछ एक्टर का अवार्ड वगैरह मिल गया तो सोचा है एक्टिंग भी शायद कर पाऊंगा. तो वैसे सिलसिला वहां से शुरू हुआ. लेकिन इस बारे में मैं जरूर एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारी फिल्म में गाना है जो राम प्रसाद जी के बेटे बने हैं. अच्छा, उनका एक गाना है जो चारों भाई मिलके गाते हैं. अच्छा जी. अब आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें से एक आवाज तो एक सिंगर है उनकी है, और जो तीनों भाइयों की आवाज है वो निनाद ने गाया. अच्छा, अकेले ने. अच्छा कोंकणा, मैंने देखा आप घर से बहुत कम निकलती हैं, जब निकलती तो सीधा बड़े पर्दे पे आती हैं. टीवी पे मैंने कभी आपको किसी शो में नहीं देखा, आज पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं. थैंक्स टू सीमा जी. सीमा जी के कहने पे आई हैं आप? मुझे तो लगा था आप मुझे लाइक करते. आई मीन बिल्कुल, बिकॉज़ ऑफ योर सेंस ऑफ ह्यूमर आई हैव कम ना. ओह थैंक यू सर. आपने अभी बोला लाइक करते, फिर बोलेंगे सब्सक्राइब कीजिए. पर आप बहुत ही नेचुरल लगते हैं कोंकणा. मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, मेकअप से देखी, फिर अभी मैंने डॉली किटी और चमकते सारे भी देखी. थैंक यू. बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं आप. थैंक यू सो मच सीमा मैम. मनोज सर जी आपके हस्बैंड हैं जी, तो राम प्रसाद की 13वीं में ये, मतलब आपको किसी ने रिकमेंड किया था इनका नाम? हम लोग के एपिसोड में भी बताया था कि इनसे एक वादा किया, ये मुझे इज्जत देंगे, मैंने काम तो तो आप सोच सकते हैं कि कितना घर में इज्जत दे रहे जो इनको काम देना पड़ता है. अच्छा सेट पे कैसा होता है? आई मीन हस्बैंड वाइफ के बीच में जब काम करते तो थोड़ा तो डिफरेंस होता है, यू नो. थोड़ा हमारी बहुत लड़ाई हुई. एक बार या बहुत बार? दो तीन बार हुई. बिकॉज क्योंकि आप डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और एक डायरेक्टर जो है वो मतलब लगा हुआ है कि ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, ये एक्टर जो है मतलब ही अच्छा. हु करते रहेंगे, ये नहीं कि स्क्रिप्ट पढ़ेंगे. एक आध बार मैं भी फैल गया, मैंने कहा यार तुम जब एक्टिंग करने जाती हो स्टेट में तो तुमसे ज्यादा कोई मस्ती खोर नहीं होता. और हम जब एक्टिंग कर रहे हैं तो हमारी हमारी जो है सबसे ज्यादा ही
मतलब इनके बारे में मशहूर है कि जब एज एन एक्टर काम करती है ना तो ही लास्ट मोमेंट तक फन चलता रहेगा. और उधर इन्होंने सब जितने एक्टर्स थे, निनाद हो, विनय पाठक हो, विनीत हो, चाहे कोई भी, सबकी रेल लगा के रखी हुई थी कि ये क्या है, कॉफी का मग लेके आएंगे, व्हाट इज दिस. अच्छा अच्छा, ये ज्यादा स्मार्ट बन रहे ना. आज मैं पब्लिक के सामने इनकी एक और पोल खोलती हूँ. प्लीज बिल्कुल. हाँ, अब आपने तो चिंगारी छोड़ ही दी है जी. अब ये एपिसोड तो हम दोनों का रह जाएगा. ये तो खाली ताली बजाएंगे दोनों. चलो आओ. तो क्या हुआ, इन्होंने शर्त रखी कि मैं जब तुम्हारे शूटिंग पे जाऊंगा तो मेरा ट्रेनर मेरे साथ जाएगा. किस चीज का ट्रेनर? ट्रेनर मतलब वेरी करेंगे वहां पर. और यही नहीं, ये भी, ये दूसरे जो शख्स बैठे निनाद, अच्छा, इन्होंने अपना एक कॉमन ढूंढा कहीं से कि हम दोनों सुबह जिम किया करेंगे, उसके बाद तुम्हारी शूटिंग पे आएंगे. वाह वाह. मैं भी सोचूं, अच्छा मैं करता था भाभी, मैं करता था. चुप रहो, एक मिनट. अभी जो मैं आगे आ रही हूं सुनो, दोनों का आ गया जी, ठीक है. उसके बाद दो दिन तीन दिन तो बहुत रहा ऐसा एक्सरसाइज हो रही है. मैं भी सोच रही, हाँ यार बात तो है बंदों में, काम तो कर रहे हैं. पांचवे दिन वो बंदा दूर से आता दिखाई दिया. उसके एक हाथ में कचौरियां थी, एक हाथ में ट्रेनर के हाथ में, ये उससे मंगवाने लग गए. अच्छा, वो वहां से मोटा होके आया हुआ. जैसे आपकी फिल्म में सारे इतने उम्दा कलाकार हैं जी, मनोज सर तो चलो आपके हस्बैंड ने कंट्रोल में ही होंगे, पर बाकी सब इतने सारे एक्टर्स को एक साथ एक फिल्म में प्रोजेक्ट में कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना? मुश्किल नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि सब दोस्त लोग थे और सबकी नब्ज मेरे हाथ में थी. कैसे? है ना. अच्छा. कि भाई ये कितना कौन भूलता है, कौन इम्प्रोवाइजेशन में चला जाता है. तो हो क्या रहता है, जब शॉट चल रहा था तो मुझे मालूम था ये अब फबल रहा है ना, तो ये डायलॉग भूल रहा है. हाँ. और पॉज जो ले रहा है ये बेईमानी है, क्योंकि एक एक्ट्रेस हूं ना, पता है. तो मैं उसको कहती थी, डायलॉग भूल गए क्या? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो. मैंने कहा डायलॉग भूल रहे हो. तो सारे वहां मुझसे इस बात पे दुखी थे कि ये वो पकड़ लेती है जहां हमारी बेईमानी शुरू होती है. जैसे हमारा भी दोस्त है शो में, मैं नाम नहीं लूंगा. वो आके जब फंबल मारता है तो टीम बोलती है, हमारे डायरेक्टर साहब या सारे राइटर, कि तू ऐसे ऐसे क्यों करता है? कहता नहीं नहीं, आप देखिए मेरा क्या है, अंडरडॉग है तो मैं भूलता भूलता अच्छा लगता हूँ. लेकिन चलो अंडरडॉग जिस दिन होता है उस दिन तो चलो होता है, उस तो किसी दिन अमीर सेठ भी बना दो, अंडरडॉग उसका निकलता ही नहीं है. तो उसका डॉग इतना अंडर तक घुसा हुआ है ना. कोंकणा बड़ी प्यारी लगती है स्माइल करती हुई. इतना छोटा मुंह कैसे होता है? हमारा नहीं होता इतना छोटा मुंह. हाँ, इतना तीखा शार्प और ये सब. No, I think, you know, when I was young, I think my face was a little chubby. And now with age, I think my face has broken a little bit. So maybe that's why it's... बड़े sharp है आपके features. मेरा भी दिल करता है ऐसा, मेरा sharp. मैं भी black साड़ी, बस black साड़ी के लिए, black suit पहन के मैं भी black suit में ऐसे निकलूं तो handsome. अलग ही मैं कोशिश कर रहा हूँ मनोज सर. मैंने भी एक ट्रेनर रखा हुआ है. मैं उससे कचौरियाँ नहीं मंगवाता लेकिन. निनाद, आपकी वाइफ जो है, हमने सुना है कि वो भी एक्टर है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है. जी, इनफैक्ट मेरी सीनियर है. अच्छा. जब हम भी छोटे थे तब वो, मतलब दे हैव बीन सिंगिंग सिंस बचपन से. अच्छा. जिंगल्स, एड जिंगल्स वगैरह. तो वॉइसिंग की वजह से ही हम मिले, स्टूडियोज. अच्छा. में मिले और दैट वे वी गॉट टू नो ईच अदर, वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन. वॉइसिंग की वजह से आप मिले. अब आपकी वॉइस निकलती है उनके सामने. I'm proud to say ki, you know, I listen to her and she is the wiser amongst both of us. Aur wo decisions leti hai ghar mein. And Manoj, seekho Manoj, bilkul barabar mein baithe hain. Manoj taali baja raha hai, usko khatam ho jana. Wo bol rahe hain Matthew seekho, Ram Prasad ka role to tumne Naseeb sahab ko de diya. Par Ninad kuch ho jaye hamare darshakon ke liye live. दो तीन आवाजें निकालता हूँ. कभी किसी के साथ प्रैंक किया आपने, अलग आवाज बदल के किसी के साथ? बहुत दोस्त हैं सर, वो जो बोलते हैं कि यार मेरा आंसरिंग मशीन का जरा रिकॉर्ड कर दे बच्चन साहब की आवाज में यार. अच्छा. थोड़ा यार, ऐसा सचिन कर दे यार. सर मेरे लिए भी एक रिंगटोन रिकॉर्ड कर दो बच्चन साहब की आवाज में. क्या? जी, कि आप जिनको कॉल कर रहे हैं वो बहुत बिजी आदमी है, बाद में करिएगा. जो भी आपका मन हो सर, आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए. नमस्कार देवियों और सज्जनों. ओए होए होए, वाह वाह वाह, क्या बात है. ओह माय गॉड, क्या बात है.
हमने बहुत प्यार से एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है राम प्रसाद की तेरवी। वाह वाह, क्या बात है सर। आपसे आग्रह करेंगे कि जरूर जाएं थिएटर में और देखें और बहुत मजा आएगा। तो ये एज का जो एक वेरी नाइस। एक्चुअली लोग ना एग्जैजरेट करके बोलते हैं और वो करेक्टर पकड़ते हैं अलग अलग फिल्मों, ये उन्होंने एग्जैक्टली किया। क्या बात है सर, वाह। That's why I usually उनके सारे ads के languages वगैरह मैं dub करता हूँ। अच्छा जी। हाँ तो सारे south के languages हों या मराठी गुजराती। अच्छा। हाँ तो बहुत। मैं हैरान था बच्चन साहब को सारी languages आती कैसे? सचिन सर की आवाज भी थोड़ी हो जाए। हाँ सचिन। हाँ well we have made a film now called Ram Prasad Ki Tervi. And I would suggest that everybody should go and watch it at least once. Superb! Wow! Kya baat hai sir? Thank you, sir. Ab farmaishi aayenge, ab live show ho gaya. Haan ji. Salman bhai. Salman Khan. Salman abhi abhi thoda karne laga. Achha ji. Humne ek film banayi hai. Superb. Jiska naam hai Ram Prasad Ki Tervi. Wow! Ye film आप सबके साथ जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। क्या बात है, वाह यार वाह। सुपर सुपर। मैंने बहुत से जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिमिक्री जो करते हैं मैंने बहुत से सुने, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना, ये तो मतलब आंखें बंद कर लो और एग्जैक्टली सेम है। वाह कमाल है सर। अरे भाई लोग, हम लोगों ने बहुत प्यार से एक पिक्चर बनाई है जिसका नाम है राम प्रसाद की तेरवी। सबके साथ जाके ये पिक्चर देखने का, नहीं तो फोड़ डालेगा मामू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच इंदार सर। Amazing man. Jurassic Park actually was the first film that I dubbed ever. Oh, achha, English wow. films into Hindi. Nee, yeah, yeah. कौन से film थी जिसमें Thor का character किसका character किया था? अभी मैंने Thanos का. Thanos. अच्छा. Avengers Endgame और Infinity War में Thanos I did for the. Wow. Yeah, it was. Thanos ने वो देखा, जो जो depth है Thanos, वो आप देखिए सम कमाल है. Let's hear it. Let's hear it. ब्रह्मांड पे कब्जा करने में भी उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है. Wow. ऐसा कुछ था। क्या बात है। अच्छा कोंकणा आज यहाँ पे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपर्णा जी का नाम ना लें। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। So sweet. अपर्णा सेन जी बहुत ही कमाल की बेहतरीन एक्टर डायरेक्टर राइटर, और आई थिंक 9 नेशनल अवार्ड उनको मिले हैं शायद। 9? अच्छा होगा, आई डोंट नो, 9। पर क्या बात है यार। मुझे कभी एक्टिंग करनी नहीं थी। As you can tell, I'm very shy and quiet, and I'd never really wanted to do acting. But I think because of my family or whatever, ऐसा हो गया। लकी फिल्म भी डायरेक्ट कर ली। इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है। नहीं अपर्णा जी का नाम आया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मिस्टर एंड मिसेज अय्यर उन्होंने लिखी भी, डायरेक्ट भी की थी, तो मम्मी आपको जब होमवर्क कराती थी बचपन में तब ज्यादा सख्त थी आपके साथ, या जब एज ए डायरेक्टर थी वो तब ज्यादा सख्ती बरतती थी? No, she was never very strict, you know, even at home or otherwise. She never very strict. She is very hardworking, so then she sets the example. तो आपको भी वैसा ही करना पड़ता है थोड़ा बहुत, वो है. But she tricked me into doing Mr. and Mrs. Iyer, you know. Because अच्छा. when she first said ki, you know, this film is there, you must play Mrs. Meenakshi Iyer. Hindi, Hindi. Speak in Hindi. हाँ अच्छा फिर तो anyway I sound like a very Bengali only. चलो you can speak in English. आपको नहीं आती English तो हम क्या करें? आप ही सीखें. She is very poor in English. Her English is in almost ICU. So you know she is afraid of English. You tell me, here is the most educated people, me. You please tell so in sweet English. You are to make me feel I comfortable. I love speaking English. But that. English don't like me so much. Anyway, so that time I was supposed to do Mrs. Iyer, but I didn't want to do because मुझे लगा कि you should take somebody who is actually
यू नो फ्रॉम तमिलनाडु. तो मैंने मम्मी को कहा कि आप प्लीज किसी और को ले लो, मुझे नहीं. एंड देन शी ट्रिक्ड मी बिकॉज शी सेड नहीं नहीं यू नो व्हाट यू हेल्प मी, आप मद्रास जाओ मेरे लिए रिसर्च कर लो थोड़ा बहुत. तो आई वेंट टू फाइंड आउट अच्छा क्या है अय्यर, क्या है आयंगर, क्या है शैवाइट, क्या है वैष्णवाइट, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड ऑल दैट. एंड आई थिंक आई गॉट सक्ड इनटू इट यू नो. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड. दैट्स सो क्लेवर. मैंने कहा था स्मार्ट यू नो, आई एम श्योर मोर देन स्ट्रिक्ट. मेरे से गलती होगी, मैंने कहा इंग्लिश बोलो, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था इतनी तेज बोलो. इतनी तेज इंग्लिश बहुत तेज बोलते हो. नहीं मैम, मैं रोक रोक के देख लूंगा. ट्रांसलेट कर दूंगी तेरे, कोई बात. मुझे तो लगता है आपको भी नहीं समझ आई होगी. मनोज सर, सीमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप लास्ट एपिसोड में आए थे दोनों साथ में, तो लोगों ने इतना एंजॉय किया आपकी केमिस्ट्री को, कहते उनकी केमिस्ट्री बड़ी लग रही थी. मगर लग नहीं रही थी, है मियां बीवी है वो. तो लोग बोलते कि नहीं यार बड़ा मजा आया देख के. और लोगों का ना एक मन में धारणा होती है कि शादी के कुछ साल बाद ना रोमांस कम हो जाता है. तो हम ये चाहते हैं उनकी धारणा को तोड़ना. Okay. आप और सीमा मैम का एक रोमांटिक गाना यहाँ पे. क्या बात है, आप ही करवा सकते थे, मेला लूट लिया सर आपने. आप दोनों इतने क्यूट लग रहे थे, कसम से गॉड ब्लेस नजर न लगे. ब्यूटीफुल सर, थैंक यू मैम. मजा आ गया सर. सर ये आप ही करवा सकते थे, और कोई नहीं करवा पाया आज तक. सॉरी कपूर शर्मा, सॉरी, हम तुम्हारी अनाउंसमेंट के बिना ही हम आ गए, क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी दी, हमने और भी बहुत जगह प्रमोशन करने के लिए जाना है. तो ओए होए 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 होए, सॉरी, टीम इधर बैठी है. राम प्रसाद की 13वीं की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये जो आपकी फिल्म में था ना, आके एक एक्टर जो पॉज लेते हैं और आप पकड़ लेती है, ये मेरा वही दोस्त है. ये देख लो, 13वीं का नाम सुनते दो कौए आगे खीर पूड़ी खाने. तो सीखो फिर कौओं से सीखो. और खीर पूड़ी खा रहे तो इसलिए जिंदा है वो, डायनासोर को देखो एटीट्यूड में था इसलिए है दुनिया में वो. वाह, बात तो है. पॉइंट. डायनासोर खत्म हो गए लेकिन इन दोनों की बातें खत्म नहीं हुई. हाँ. देख लीजिए आप. वैसे हेलो सर, हेलो मैम, हेलो मैम, माइसेल भूरी और ये है चंदू. वो क्या है ना, एक्चुअली हमारा गाना आ रहा है. ओ. तो बस उसकी प्रमोशन के लिए हम भी यहाँ आए हैं. सच सच बताओ, लोकल ट्रेन चल नहीं रही, इनका काम धंधा बंद है. जो गाना फटाफट गाओ और सुनो मेरी बात, जो ये देंगे चुपचाप से लेके निकल जाना, ज्यादा तंग नहीं करना. तो यार मेरी बात सुनो, इधर क्या मतलब, क्या शुरू क्या हो जाए, इधर क्या बंदरों मदारी का तमाशा दिखाने के लिए आए. हम मेहमान है यार, हमारे लिए भी सोफा वगैरह मंगाओ. और हाँ, वो पॉमीग्रेनेट का जूस जरूर मंगवा देना. मैं पम्मी आंटी के यहाँ से पीता, मैं यही कहता हूँ. तुम दोनों ने सोचा भी कैसे, मतलब हमारे चलते इंटरव्यू में अपना इंटरव्यू करवा लोगे? अरे क्यों, शेयरिंग ऑटो हो सकती है कपूर, तो शेयरिंग इंटरव्यू क्यों नहीं हो सकती? भूरी, तू निकल, तू इधर आ. ये क्या था ये? यार एक मेरी बात नहीं, इधर आ, पर्ची इधर रखो. ये तूने जैसा नागिन डांस किया, तूने सांप यूनियन का चेयरमैन ढूंढ रहा है बाहर. इतना गंदा डांस किया तुम लोगों ने. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चंदन और सांप का बहुत पुराना रिश्ता है. दोहन सुना तुम्हें? नहीं. चंदन विश्वव्यापी नाही, लिपटे रहित भुजंग. व्हाट, वाह क्या बात बोलिए, क्या इसकी व्याख्या सुनाओ इसकी. यार जब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तुम स्पेलिंग पूछते हो, जब मैं हिंदी में बोलता हूँ तुम व्याख्या पूछते हो, इसी चक्कर में मैं फ्रेंच नहीं सीख रहा हूँ. ये फ्रेंच सीखेगा ये. मेरे को उस दिन मैंने कहा फ्रेंच टोस्ट खाएगा, कहता मेरे को फ्रेंच नहीं आती, टोस्ट मंगवा लो. तू मेरे को बता भूरी, क्या था ये सब? कपू ऐसे कैसे गेस्ट को पूछते हैं क्या था ये सब? तुम्हें तो बोलना चाहिए गाना कितना अच्छा है, वीडियो के बारे में और भी कुछ बताइए. लेकिन ठीक है, तुम नहीं पूछते हो तो मैं ही बता देती हूँ.
हमने ये जो वीडियो है हमने ऊटी के जंगलों में शूट किया और सीमा जी आप विश्वास नहीं करेंगी फर्स्ट टेक में गाना शूट हो गया पूरा का पूरा क्योंकि फर्स्ट टेक के बाद कैमरामैन ने कैमरा ही तोड़ दिया कहता ये सब देखना बाकी रहा ऊटी के जंगलों मैंने खुद देखा तुम्हें बाहर शूट कर रहे तुम लोग कैमरा नहीं टूटा सर कोंगना मैम रिकॉर्ड टूटे हैं वहां पे आपने पिछले दिनों न्यूज नहीं सुनी पहले नाम ले दोबारा क्या बोला तूने बताओ कोंकणा मैम हाय हाय नॉट बैड एक सही है करेक्ट करेक्ट सेकंड मैं बहुत बड़ा फैन उनका उन्होंने देख लिया अभी ठीक है कहते इनके हिसाब से ठीक है बुरा नाम लूं हां हां कोंकणा मैम आपने पिछले दिन न्यूज़ सुनी होगी YouTube और Google डाउन हो गए वो कोई और प्रॉब्लम नहीं थी वो हमारा गाना बहुत ज्यादा हिट हो गया था उसको लाइक्स बहुत मिल गए थे वो इसलिए डाउन हो गया था नहीं डाउन इसलिए हुआ था यूट्यूब ने मौन रखा था आधे घंटे का कि हमसे ये क्या अपलोड हो गया क्यों कौन बनाता है ऐसे गाने ओ भाई साहब यही गाना सुनकर तो आपको पता है जी सीरीज और चिप्स कंपनी हमें बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं हाँ वो हमें पूछ रहे हैं कि चंदू साहब आपने ये टैलेंट छुपा कर कहाँ रखा था टैलेंटेड तो ये बहुत है सीमा जी आपको पता है जिस दिन ये पैदा हुआ ना चलो जी अब मुझे पता भी एक डेढ़ दो मिनट में पैदा होऊंगा यहाँ पे मुझे पैदा ये पैदा हुआ डॉक्टर ने किसी नर्स को कहा कि जाके इनकी फैमिली को बता दो कोई नर्स जाए ना कहते तू जा ये सब चीजों की बधाई मैं तो नहीं दे सकता अच्छा सीमा मैम जब ये पैदा हुआ डॉक्टरों की सारी टीम हिमालय चली गई कहती इसका प्रश्न तो उधर ही होगा इधर कुछ नहीं होगा फिर जब मेरा शो हिट हो गया फिर वो टीम वापस आ गई थी लेकिन इसकी नर्सें अभी भी गायब हैं अरे एक सेकंड तुम लोग क्या लेके शुरू हो गए कप्पू हम लोग आए तुमने अभी तक हमें बैठने के लिए नहीं बोला बिल्कुल बैठ जाओ इतनी बड़ी जमीन पूरी बैठो तुम वो पार्लर वाली लड़की को क्यों नहीं बुलाते जो बाहर आके बोलती ना हाय मैंने आपके गाने का ट्रेलर देखा बहुत अच्छा लगा मेरे को मसाज वसाज करती है उसको बुलाओ बुला तू भी तो उधर ही काम करती है और मेरी बात सुनो डांस वाले लड़के को बुलाओ जो इधर आकर कहता हम आपके बहुत बड़े फैन हैं उधर बुलाओ यार एंटरटेनमेंट करो सोनी साहब को क्या जवाब दोगे तुम ये परफॉर्मेंस के बाद सोनी साहब तुम्हें जवाब देंगे बस बस कोई बात नहीं दे दें जवाब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगले महीने से हम इंडिया में है ही नहीं अच्छा। बुरी बताओ इनको कहाँ कहाँ है हमारे लाइव कॉन्सर्ट्स यस हमारा जो पहला लाइव कॉन्सर्ट है वो CBI में है CBI मतलब CBI मतलब कनाडा बेल्जियम और इंडोनेशिया अच्छा हाँ जी उसके बाद भूटान बांग्लादेश और उसके बाद सीधा 7 समंदर पार हमने नेपाल में भी कंसर्ट करना है ओए नेपाल हमारा पड़ोसी देश है बिल्कुल तो हम तो वाया साउथ अफ्रीका आएंगे ना उधर से तो 7 समंदर पढ़ते हैं कि नहीं यार मैंने भूगोल भी तुम्हें ही सिखाना है क्या मुझे पता चल गया है मैंने भूगोल तुम्हें ही सिखाना है तुम्हें भूगोल भी मैंने ही सिखाना है चलो देख लो मैं इनकी लाइनें भी याद करके बैठा हूँ ये अपनी अपनी नहीं करते पापा तुम कब तक अपने गेस्ट को खड़ा रखोगे बिल्कुल मैं तो बुलाया भी नहीं था मेरी बात सुनो एक मिनट रुको मैम गाता चाचा जी सोफा देना चाचा जी स्टूल ला भाई साहब वाओ क्या मैचिंग स्टूल मंगवाए हैं कोई नहीं वी आर वेरी ग्राउंडेड हम स्टूल में बैठ जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं बड़ा शौक है कि इनकी कोई इंटरव्यू ले हालांकि इनकी कोई बेस्ट विशेस नहीं लेता तो इनकी इंटरव्यू अभी पता नहीं क्या कर रहे ड्रामे कपूर शर्मा खैर चक्कर ये है कि हम ना सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं अच्छा हाँ आत्मनिर्भर हो गए हैं तो हम ना जो सवाल पूछ रहे ना वो भी हम खुद ही लेकर आए घर से हम तुम पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है खुद ही लाने पड़ेंगे जब किसी को आपके बारे में पता ही नहीं है कौन हो कहाँ से आए हो तो आप ही बताओगे ना अपने बारे में तो इग्नोर हिम प्लीज जोरदार तालियां बोरी और चंदू के लिए तो मेरा पहला सवाल मिस बोरी जी से आपके बारे में एक अफवाह है कि आप एक कॉमेडी शो करती हैं उसमें आप चलती नहीं है तो वो आपने छोड़कर अभी डांस ट्राई किया है तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा है उसमें भी कम ऑलमोस्ट आपका बेड़ा गर्क ही है आगे आप क्या ट्राई कर रही हैं क्या प्लान्स हैं आपके आगे मुझे लगता है कि मैं गाली गलौज और हाथापाई पे उतर रहा हूँ हाँ क्योंकि एपिसोड भले कम हुए लेकिन लिहाज बहुत हो गया ये सवाल अब मैं पूछूंगी आपका
तो चंदू जी, जी आपके बारे में एक अफवाह है कि आपने सरकार से गुजारिश की है कि मुंबई के फुटपाथ को और चौड़ा बनाया जाए, क्योंकि जब आप करवट लेते हैं तो आप सड़क पे गिर जाते हैं। वाह, पूरी छा गई आज। बताइए चंद, ये तो तू अफवाह की आड़ में फिर सच बोलने लग गई ना। वाह बोरी वाह, उसी फुटपाथ पर बैठकर मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए कंबल इकट्ठे किए हैं। ओह गॉड, और तुम लोग अपने कंबल उठाओ और चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो मैंने पुलिस बुला लेनी। चंदू यार, पर्स मैंने वापस कर तो दिया था, पुलिस क्यों बुला लेनी अब? यार मेरी बात सुनो, तुम तो ऐसे गुस्से वाला मुंह बना लेते हो, तुम समझते हम तुमसे डरते हैं? हम डरते डरते नहीं है। सॉरी कपू, फिर मिलेंगे, बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे स्टार्स के लिए। आइए मैम, सीमा मैम, कोंकणा, निनाद सर, मनोज सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया आपसे बातें करके और ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैम, मैं चाहता हूं कि फिल्म के बारे में आप बता दें। हालांकि फिल्म जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि हमारी पिक्चर रिलीज हो चुकी है और मैं चाहूंगी कि जितना प्यार अभी मिल रहा है उस फिल्म को, उससे ज़्यादा कहीं मिले। आप लोगों ने इतने सालों से हमें एज ए कलाकार बहुत प्यार दिया है। मैं चाहती हूँ, मैंने पहली बार कोशिश की है डायरेक्टर बन के, राइटर बन के, आप सबका प्यार चाहती हूँ। आप प्लीज़ आए और उस फिल्म को देखें और उसका मजा लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आइए मैम, प्लीज आइए। अर्चना जी, जब शादियों का सीजन चलता है, बैंड वाले दो दो तीन तीन शादियां पकड़ लेते ना, तो जैसे न्यू ईयर की शुरुआत है तो हमने भी दो दो पार्टियां पकड़ी हैं। एक पार्टी भी गई है, दूसरी आ रही है। अच्छा। तो आज सैंडविच आ रहा है। सैंडविच? हाँ, मुंह में पानी मत ले आओ। नहीं? ये वो वाला सैंडविच नहीं जिसके खा के मजे लेते हैं, ये वो वाला सैंडविच है जिसको देख के मजे लिए जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैंडविच फॉर एवर की। ये है सोनी लिव का शो सैंडविच फॉर एवर, जिसकी बहुत ही खूबसूरत कास्ट आज हमारे बीच आ रही है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच, प्लीज वेलकम अहाना कुमरा एंड कुणाल राय कपूर। हमें बुलाया था ना आप लोगों को कपिल जी, हम क्या बताएं, यही है हमारी लाइफ की रियलिटी। तो हम लोग अभी अभी शादी किए हैं। हाँ। और हमने मतलब सोचा कि हम हनीमून पे भी अकेले जाएंगे, लेकिन वहां पर भी सैंडविच सैंडविच ही सैंडविच सैंडविच हम लोग हम साथ साथ हैं हर चीज में। वाओ, बड़ी अच्छी बात है। हम साथ आप हैं। तो ये है जिन्होंने आए यंग कपल की जिंदगी खराब करके रखी है। जी, खराब कौन करता है, हम तो उसको एनहांस करते हैं। अच्छा ना, देखो रंग भी एक जैसा पहन के आए। वाओ, आपकी वाली कहां छोड़ा है आप? अब किसी को तो घर पे काम करना पड़ेगा ना, हमारे घर पे भी, इनके घर पे भी और इनके घर पे भी, तो उनको हम घर छोड़ा है आज। आप तो बड़ी खुश लग रही है मम्मी जी, आप फिर लेते यहाँ पे रोज आना जाना चला रहता है। This has become home ground for me now, you see. रोज, पहले आपकी हंसी देख के ना अर्चना जी इनसिक्योर हो गई थी। अभी आपको पता, जब आप आई ना, ये अपनी बालों में से पिन निकाल के अभी गाड़ी की हवा निकाल रही थी। So, आई भी थी। मैंने सुना है कि दिव्या जी ने प्रोड्यूसर से ऑलरेडी बात कर ली है। आई थिंक सो बट प्लीज साइड में बात चल रही है अर्चना जी, प्लीज नोटिस। नोट कर रही हूँ मैं, नोट कर रही हूँ। सारा इसी ने शुरू की होगी ये सब। मैंने कुछ नहीं, मेरे को गुस्सा खुद बढ़ा है अर्चना जी इस बार। किस बात का? आप देखो, हमारे कुकरेती साहब जिन्होंने ये शो के राइटर प्रोड्यूसर है, हमसे रोमांस कराते हैं नकली लड़कियों के साथ, और जब अहाना आई तो मतलब कुणाल राय कपूर अमीर लड़के साइन कर लिए इन्होंने। वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दिव्या जी के लिए, मिस्टर अतुल कुलकर्णी जी के लिए, मिस्टर जाकिर हुसैन, अहाना एंड कुणाल के लिए। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सैंडविच में आप दोनों का रिश्ता क्या है? आप लड़के के पापा हैं? हाँ, ये बहू हैं, मैं बाप हूँ। ओके, लड़के का। ओके, इसलिए सेम ना जी, मैं लड़का हूँ। इतना तो मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि जी, मैं लड़का हूँ। तो दिव्या जी किसकी बीवी बनी हुई है? जाकिर की। तो आप दूर दूर क्यों बैठी हुई हैं? यही चलता है, इट्स ऑल राइट, यू डोंट वांट टू बी सैंडविच फॉरएवर विद हिम। आइए। नहीं सर, नहीं, मैं, मेरी वाली आई नहीं है, मैं बैठ रहा हूं। मुझे और दूर भेज दिया आपसे कपिल जी। अतुल सर, लोगों की जिंदगी इतनी बेरंग हुई है लॉकडाउन में, आप तो यहाँ तक आते आते तीन कलर आ रहे हैं, ऊपर से व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर रेड। वाओ, कमाल है।
सर जोक सपाट बट आई एम ग्रेट फैन ऑल ऑफ यू. जाकिर भाई आपको भी हमने इतनी फिल्मों में देखा है, दिव्या जी को तो हम पर्सनली भी मिल चुके हैं. ये मत बोलना कि बचपन से देख चुके हो. पर ये सच पता क्या है, ये सच है. टीवी पे जब शुरू हुआ टीवी बेसिकली, हाँ टीवी पहले खोल पहला चेहरा दिव्या जी का नजर आया था हम लोग, पहला सीरियल था. कमाल है दिव्या जी आप, मतलब थैंक यू, आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट. अच्छा आजकल तो कई तरीके के सैंडविच आते हैं, मल्टीग्रेन आ गए, आलू वाले. एक तो वो भी आता है आपने देखा होगा, वो ग्राउंड प्लस टू फ्लोर जो इतना बड़ा होता है जिसको एक बार आप कभी नहीं खा सकते सिवाय अर्चना जी के, वो कोई नहीं खा सकता. तो मैंने खाने पर भी नजर रखता है. मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आपका सैंडविच है ये इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या स्पेशल है? इसमें ये खासियत है कि ऐसे जमाने में, ऐसे टाइम में जहाँ पर सब लोग इतना स्ट्रेस्ड हैं, जहाँ पर सिर्फ डर और भय फैला हुआ है, दिस इज जस्ट फन, इट इज जस्ट अ फैमिली कॉमेडी. एंड हम लोगों को खुद करते हुए इतना मजा आया है, होपफुली आप सबको देखते हुए भी इससे ज्यादा मजा आएगा. वाओ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. मैंने प्रोमोज तो वैसे बड़ी देर पहले ही देख लिए थे, आप लोगों के भी देखने से पहले. यही होता है जब भरत भाई एक बात बताओ, ये इस शो से कमाई कम हो रही थी जो ये भी बना डाला आपने? हमें क्यों नहीं लेके गए इस शो में? क्योंकि हमें पता चला आप एक वेब सीरीज करने जा रहे हो, हमें नहीं ले जा रहे. मैं बोलने वाली थी कि तू भी तो जा रहा है. अच्छा जी, इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं, वो परमानेंट नहीं आई. ओह हाँ ना, वैसे ना जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पे, स्टार्स आते हैं ना, तो पूरी हमारी एक रिसर्च टीम होती है, तो बाकी लोगों की रिसर्च वो करते हैं, लेकिन कभी कोई लड़की आती है खूबसूरत तो उसकी रिसर्च मैं पर्सनली करता हूँ. हाँ. मैं जाके आपके इंस्टा अकाउंट में मैंने देखा अभी हाल ही में आप महाबलेश्वर गई थी. जी जी, तो आप वैसे ही घूमने गई थी या हमारे शो में आने के लिए मन्नत मांगने गई थी? अतुल सर पर आप बड़े फिट हैं यार, मतलब देख के मजा आ गया. फिल्मों में इतनी बार देखा आपको, रंग दे बसंती में या पेज थ्री या कितनी भी आपकी फिल्में देखी जी, पर आप मतलब इतने फिट हैं, आप सच्ची में हेल्थ कॉन्शियस हैं या आपको लगा है कि शायद हो सकता है ओटीटी में कभी बोल्ड सीन करने को मिल जाए? नहीं मैं उसी की तैयारी में. अच्छा आपने मेरे इंस्टा हैंडल की रिसर्च की, लेकिन आपने इनके इंस्टा हैंडल की रिसर्च की? नहीं, आदमियों वगैरह के मैं नहीं देखता. सबसे ज्यादा पंक्चुअल जो सेट पे टाइम से भी पहले पहुंचने वाले अतुल सर थे. अर्चना जी ने बोला कि जब अतुल आएंगे तो उनसे पूछेंगे हम लोग कि आप जेन्युइनली पंक्चुअल हैं या आपको डर था कि नाश्ता ना खत्म हो जाए. ये इसलिए जल्दी आती है, इनको इसलिए पता है. ये आती नहीं है, ये जाती नहीं है, ये इधर ही सोती है सोफा पे. मैं बता रहा हूँ आपको, अटैच्ड है सोफा. मैंने उस दिन बताया था ये जब उठेंगे ना तो सोफा ऐसे ही उठेगा. उस दिन परमीत सर आ गए, इनके हस्बैंड, इन्होंने लाठी निकाली उनकी नाभी में लगा दी 8 फीट. इतने दूर से बात करो जो भी करनी है, तो ये बहुत मतलब वो है. तू मुझे आइडिया ना दे. हाँ, तो कसम से उनके यहाँ पे लाठी लगी और कहते मेरी बात तो सुन अर्चना, मैं लंच देने आया हूँ. पर जाकिर भाई मैं यार आपको सरकार फिल्म में देखा, बड़ी सारी फिल्मों में देखा, इतना खतरनाक कैरेक्टर किया आपने, पर असल में आप इतने भोले कि तो बैंक के हेड कैशियर लगते हैं आप. मतलब कमाल कैरेक्टर है. जी थैंक यू. बस हो गया. मैं मन में सोच रहा था, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात है जाकिर भाई से, मुझे लगा यार बड़े शैतान और बड़े खतरनाक रोबीले होंगे, आप तो बड़े क्यूट हैं. थैंक यू. अब तो जाकिर के साथ भी फ्लर्ट करने लगा. हाँ, तारीफ होती है ये. अच्छा हाँ. फ्लर्ट थोड़ी है, आपने एनएसडी की होती ना, आपको पता होता. पर यार मैं ना नाम, जब मैं नाम सुनता ना कुणाल रॉय कपूर, पता है पुरानी फिल्मों में रॉय साहब तो अमीर होते थे और कपूर तो होते ही हैं बड़े आदमी, तो ये कुणाल रॉय कपूर, आपको कोई प्रोड्यूसर, मेरे ख्याल से सारे अमीर रोल ही ऑफर होते होंगे. हाँ, वही तो एक नाम सुन के डर जाते होंगे कि पेमेंट बड़ी होगी, भाई इनको तो ऐसे ही रोल दे पाते हैं, तो बहुत स्टीरियोटाइपिकल टाइपकास्ट करते हैं मुझे. बट आई रोल मिलते हैं वही बड़ी बात है. अच्छा आहना, आप और कुणाल जो है वो फैमिलीज के बीच फंसे हुए हैं जी, और आप तीनों शादीशुदा हैं,
आपकी रियल लाइफ में कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ जब आपको लगा कि हम फंसे हुए यार, मतलब रोज लगता है हाँ मतलब नहीं नहीं मतलब मियां बीवी दोनों को जो चीज लगती हो आपको अकेले को एक बार ना हमारे शो पे अनु कपूर साहब आए थे जी, देखा था तो वो कह रहे थे कि यार मेरा नाम ना पहले अनिल कपूर था, तो एक बार एक ना चेक बनना था तो अनिल कपूर साहब का चेक मेरे पास पहुंच गया और ऐसा मेरा उनके पास पहुंच गया। ऐसा होता है कभी कभी नाम में कंफ्यूजन, कभी आपके साथ नहीं ऐसा हुआ फोन आया हो आपको कि आपको सर आना है इवेंट में और आपने कहा हो कि जी हाँ कौन सी फिल्म है, तो उनका नहीं नहीं तबले बजाने हैं तकरीबन 8-10 बार ऐसा हो गया सीरियसली और अभी भी हो जाता है। फोन आता है, हेलो सर जाकिर हुसैन साहब बोल रहे हैं, मैं कहा जी बोल रहा हूँ, तो एक प्रोग्राम कराना था तो आप तो मैं समझ जाता हूँ कि प्रोग्राम तो वही करते हैं, मैं तो हाँ बहुत पहले जब मतलब सरकार वगैरह भी नहीं आई थी और टेलीविजन करते थे तब भी एक फोन आया था। क्या कहते? तो जाकिर हुसैन साहब को एक कुछ अवार्ड मिला था, उनको मिला था उस साल में, तो मैं कहीं खेल वेल रहा था, फोन आया, हेलो सर आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो मेरा नहीं, आप जाकिर हुसैन? मैं कहा आप तबला बजाते हैं? मैं कहा थोड़ा बहुत बजा दिए तो आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? अरे सर आप मजाक कर रहे हैं। मैं बहुत देर तक करता रहा, फिर मैंने कहा कि मैं वो वाला जाकिर हुसैन नहीं हूँ, मैं एक्टर जाकिर हुसैन हूँ। तो उसको लगा होगा हर जगह जाकिर हुसैन भरे हुए। एक बार ऐसा बॉम्बे IIT से मुझे फोन आया, जाकिर साहब हमारा प्रोग्राम है, आपको जज बनाना है, म्यूजिक का प्रोग्राम है। तो म्यूजिक सुनते ही मुझे लगा उनके लिए फोन है। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं हूँ, तो आप कौन से हैं? तब तक सरकार और ये सब आ गई थी। उन्होंने कहा मैं एक्टर जाकिर हुसैन हूँ, सरकार वाला। हाँ तो आप ही आ जाइए। कुणाल आप गेम डेवलपर बने ना जी इस शो में, आपने कभी वो वाली गेम सुनी है? आप थोड़ा अमीर फैमिली से, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। छोटे शहरों में होती ना सर, कई बार होता है गेम्स वेम्स तो होती नहीं तब, तो क्या करते बच्चे जैसे कोई सुअर आ रहा है तो उसी को रोकने लग जाते थे। तो अगर तो सुअर निकल गया सुअर जीत गया, अगर नहीं निकला तो बच्चा जीत गया, है ना? ऐसा होता था। नहीं हम भी सॉरी बड़ी मैं हम भी ये गेम खेलते थे, मगर इस गेम में मैं सुअर बना, बस यही फर्क है, बाकी सब सेम। ऐसे ऐसे हम करते थे। एक और बताता हूँ आपको, गोबर में पत्थर मारने वाली गेम खेली है? पहली बार सुना है यार ये, पहली बार सुना है ये। आपके वहाँ की गाय गोबर नहीं करती थी? गोबर कर देती है ना कभी भी सड़क पे ऐसे, तो जहाँ पे गोबर किया ना चार बच्चे इकट्ठे होकर निशाना लगा। जाकिर भाई आपका टीवी और फिल्मों में तो टैलेंट सबने देखा है, आज आपका हिडन टैलेंट है कौन सा जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं? क्या आपको भी दिखाते हैं? प्लीज आए। शूट चल रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अरे सुपर, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑफ आवर शो। नहीं मैं ये सोचता हूँ कि इस ये आदत का आपको फायदा होता है या नुकसान, क्योंकि कल को आप कहीं और सो जाएं और वाइफ पूछे आप तो उधर सो गए, तो आप कह सकते हो कि आपको तो पता है मैं कहीं भी सो जाता हूँ। हमारे मित्र थे जो आप सब जानते हैं, रवि बसवानी साहब। अच्छा जी, हाँ हाँ। तो उनसे मैंने एक बात सीखी थी कि जब भी टाइम मिले सो जाना चाहिए, एनर्जी सेव करनी चाहिए, बेकार के बैठे रहो ये करो, तो जब भी टाइम मिलता था सीधे। अतुल सर आप NSD से हैं, आपकी धर्मपत्नी भी NSD से हैं, तो आप कॉलेज डिग्री लेने गए थे कि बीवी लेने गए थे आप? लेने कुछ गया था, लेकर कुछ और आया। वो तो 3 साल में खत्म हो गया। हाँ। ये अभी तक चल रहा है। सब थिएटर से हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारे दर्शकों के हैं, और दर्शक भी सामने बैठे हुए मास्क लगा के। इन्होंने लिखे हैं ये सवाल। आप कोई भी आपके साथ ऐसा किस्सा हुआ था आप बता सकते हैं। चलते प्ले में कभी ऐसा हुआ एकदम से आपको अपनी सारी लाइंस भूल गई हूँ? 3 लोगों ने हाथ खड़े किए, फिर क्या करते थे आप?
फिर तो कोई दूसरा ही कुछ करता था. हम तो भूल ही गए. एक बार भूल जाते हैं खड़े, मतलब नहीं समझ नहीं आ रहा क्या लाइन. विंग्स में प्रॉम्प्टर होता है ना? नहीं, वो पहले होता था, अब कोई नहीं होता है. हम जब हमारे गांव में करते थे नाटक, तब एक प्रॉम्प्टर हुआ करता था और बहुत बढ़िया किस्सा हुआ था हमारे साथ. तो बहुत, मतलब हम कॉलेज में थे, सब लोग दोस्त दोस्त मिलके प्ले किया था हम लोगों ने. हमारे एक दोस्त था गणेश, उसने लिखा था प्ले और उसने डायरेक्ट किया था. आखिरी प्ले था, अब उसकी लॉन्ड्री है. तो अब उसकी लॉन्ड्री है. आई जस्ट रियलाइज्ड व्हाट ही सेड. हां देन तो पहला शो था, तो सारे नए नए लोग और जो एक लड़की थी, मतलब ट्रायंगल वाला मामला था, दो लड़के एक लड़की वगैरह वगैरह. तो जो लड़की थी उसका भी बेचारी का पहला शो था. तो पहला जो हमारा एक्ट था उसमें वो मोहतरमा मतलब इतनी बार भूल गई डायलॉग के, जो हमारा गणेश था राइटर डायरेक्टर, वो एकदम करके ऐसे बहुत ये हो गया, गुस्सा हो गया कि मेरा लिखा हुआ प्ले, मेरा पहला शो और ये खराब कर, हाँ ये बिल्कुल खराब कर दिया. तो उसने कहा दूसरे एक्ट में कि मैं स्टेज पे बैठने वाला हूँ स्क्रिप्ट लेके, कि मैं प्रॉम्प्ट करूंगा. अच्छा. इसको तो हमारे सेट पे ऐसे ही सोफा था बीच में, जैसे हर इसमें होता है, तो वो पीछे बैठ गया सोफे के, छुपके. हाँ, छुपके बैठ गया. तो मैं आ जाऊं इधर, कैच हो जाएगा. तो ये था, मैं उधर खड़ा था ऐसे और ये यहाँ है और उनकी ऐसी ऐसा जाना है, मूवमेंट ऐसी है उनकी. हाँ, और मेरा नाम किशोर था. okay. और वो जो दूसरा कैरेक्टर था लव ट्रायंगल में, उसका नाम भी गणेश था. ये राइटर डायरेक्टर ने खुद का लिखा. अच्छा. था कि मेरा ही नाम रखूंगा. हाँ. वैसा तो उसका नाम गणेश था. तो उसका डायलॉग था कुछ, किशोर तुमने अगर एक लफ्ज भी बोल दिया तो मैं तुरंत गणेश के यहाँ चली जाऊंगी, ऐसा कुछ डायलॉग था उनका. गुस्से में एकदम. तो ये यहाँ से निकली, किशोर अगर तुम, सॉरी गणेश, अगर तुम, पैर लग गया उनका तो उनको, सॉरी गणेश. ओए होए, वाकई बड़े मजेदार मजेदार किस्से होते हैं. कितने किस्से होते होंगे ना. ब्यूटीफुल. हम लोग यहाँ पे एक अदालत अदालत खेलेंगे, ठीक है? तो जो आप पे इल्जाम है कि आपने लड़का लड़की को तंग करके रखा है. अच्छा. दोनों तरफ के माँ बाप ने, तो आप पे कुछ इल्जाम है, आपको उनका सामना करना पड़ेगा. ओके. जरूर. तो आपकी इजाजत हो तो अदालत लगाइए. इजाजत है. ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर. टॉप की अदालत में सैंडविच के दिग्गज कलाकारों का ये दिग्गज कलाकार स्वागत करता है. अरे मिलोर्ड, हम आपको कलाकार नहीं मानते, आप अपने आप को दिग्गज कलाकार कह रहे हैं. अपने इस भ्रम की दुनिया से जरा बाहर निकल लिया, वरना कहीं सोनी की दुनिया से ही बाहर ना निकल जाए. ओए अंडेमान निकोबार के अंडे. मैं जज हूं इधर, तुम्हारी जेठानी नहीं हूं. मजाक करना तो अपनी साली के साथ करो. ओए बिना रुई के एक गद्दे, मैं यहाँ पे अर्दली बनी हूँ, मजाक करना अपने घर पे जाके करो. अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ. ए सीरा पूंजी से भी छोटी पूंजी. आई पड़ी, तू कोई रामचंद्र मलानी नहीं है जो अपने जीजा का मजाक ना सुन सके. आई पड़ी. ओए डेढ़ हफ्ता लगातार पैदा हुई भाभी. आज की कार्रवाई शुरू करो. दिव्या जी, आप मेरा साथ देना. बिल्कुल. एक बात बताऊं, ऐसा तोता तो जोशी ने भी नहीं रखा होता जैसा हमने जज रखा हुआ है. आए बड़े. और क्या, नहीं तो ऐसा लगता झाग लगा के आए, अभी सर से शेव करेंगे. चलिए आप लोग मेरा साथ देना. हाँ. आहाना, और तुम रोज नहाना. या, तुम वकील बनी हो, दलेर मेहंदी नहीं बनी हो. कार्रवाई पे ध्यान देते हैं, शुरू करते हैं. शुरू कीजिए. तो मिलो. हाँ जी. ओ 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
ये कैसे कानून को स्कूटर दिए हुए? देखो ओ, 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 कमाल हो गया। अभी मैंने सैंडविच ऑर्डर किया तो आ भी गए। वाह, जोरदार तालियां भी इनके लिए। शमशेर जी, ये वो वाले सैंडविच नहीं है, सैंडविच इनकी सीरीज आ रही है। अच्छा, सैंडविच फॉर एवर। अच्छा, इनकी सीरीज आ रही है। हाँ जी। और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? तो देखो, उन्होंने 15 एपिसोड किए, लोग उनको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। अच्छा। इसने हजारों कर लिए, इसको कोई बर्थडे पे भी नहीं बुलाता। और सुनो मेरी बात, वो जिस बुढ़िया के बाल तुम लेके आए हो बाहर रो रही हो। ओए तू ढोल ताशे बजाने लगी है? ये देख लो, ये सोनी के जज और अर्दली देख लो ये। ओए तुम दोनों भी अपनी सूंड में पानी भर के फेंका करो। प्रॉपर इसको अदालत को चिड़िया घर क्यों नहीं बना देते? एक मिनट शमशेर जी, मैंने ना आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ जी। चिड़िया जो घर होता है ना, उसमें बहुत तरह के जानवर होते हैं, लेकिन उसको चिड़िया घर क्यों कहा जाता है? ये तुम्हारा फैमिली मैटर, मेरे को नहीं पता। देखो मैं, ओए ओए जाकिर साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बात का मुझे बड़ी नाराजगी आपसे, आप तबले क्यों नहीं लेके आए? शमशेर जी, ये वो वाले जाकिर नहीं है। वो वाले नहीं है तो हारमोनियम ले आते। म्यूजिशियन ही नहीं है, हारमोनियम क्यों लाएंगे? वो म्यूजिशियन नहीं तो हारमोनियम लाए। तुम अपने दोनों नगाड़े लेके हर बार यहाँ पे क्यों आ जाते हो? तुम कौन सा कंसर्ट करने आते हो इधर? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मेरे दो सैंडविच वेज। मैं शमशेर जी इधर सैंडविच लेकर नहीं बैठा हूँ। जज साहब, वो तो सैंडविच लेके बैठे ना, उनसे लेके मेरे को दे दो। मैं देखा आना, मैं बीच बीच में कभी ऐसे हंसी मजाक कर लेता हूँ। तो आना, कभी टाइम निकाल के मेरे घर आना, और कभी मेरे साथ घूमने गोवा जाना, और मम्मी डैडी को मनाना, और अगर नहीं माने तो फिर मेरे को बताना। ये मेरी शायरी भी बीच बीच में करता हूँ। और आजकल ठंड बहुत है, गर्म पानी से ना आहाना। नहाना। ये तो नहाना। बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो गया ना, आहाना नहाना। लानत है आप पे थोड़ी सी। यार ऐसा एक मिनट, ऐसा काम ना हमसे कराओ यार, हम चैंपियन है। मतलब हम और हाना एक कुमरा में बंद हो और चाबी खो जाए। देखो हम तो ऐसे, हमारे बाएं हाथ का खेल है यार ये। अच्छा, बाएं हाथ का? तुम्हारे बाएं हाथ पे मैंने अपना दायां हाथ जोर से मारना है, फिर जो तुम अपने बाएं हाथ से करते हो ना, फिर वो दायां हाथ से करना पड़ेगा। समझे? अरे दाएं बाएं बाएं दाएं बाएं दाएं करके हमारे दिमाग का दाएं मत करो। हा? और वैसे भी हम पे जरा सी दया करो, हमें आगे की कहानी बयां करने दो। तो आना कुमरा जी, आपसे एक दरख्वास्त है कि आप क्रिकेट में ज्यादा ना इंटरेस्ट मत लिया कीजिए, वरना आप आना कुमरा से आना बुमरा हो जाएंगे। ये फनी था, ये बड़ा फनी लगा तुझे? ऐसे चुटकुले सुन सुन के अपनी इंडियन क्रिकेट टीम 36 पे आउट हो गई। नहीं, लेकिन इसी बहाने इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ 36 का आंकड़ा तो हुआ। ये था फनी, हंस इस पे, हंस। यार मेरी बात सुनो, तुम ना ब्रैकेट में साथ में लिखा करो भी किस पे हंसना है किस पे नहीं हंसना है। मेरे को डंडे मरवा रहे हो तुम, इधर क्या बन के खड़ी हुई? अरे तो क्या बोलूं मैं, इतनी जवान खूबसूरत हो, बाहर जाके भीख मांगो। देख तो मैं क्या बनूं, तुम्हारी बनने की उम्र गई अब। हाँ, वो जो धार्मिक मैसेज नहीं आते कि 11 लोगों को फॉरवर्ड करो तुम्हारा भला होगा, तुम किया करो, क्या पता तुम्हारा हो जाए। और मैं इधर 250 रुपया पर डे रेंट पे ये विग डालकर बैठा हुआ हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा, और जज बनाओ मैं, ये बाल मैंने धूप में सफेद किए। ये होते कच्चे आर्टिस्ट, विग के साथ माइक भी उतार दिया। हेलो 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 सोनी साहब, ये देख लो मैं पक्का आर्टिस्ट हूँ। जब से अच्छा तुम विगी बन जाते आज के लिए, ज्यादा कमाई हो जाती तुम्हारी 250 रुपए। मैंने कहा भी था इसको पंच मत दो, ये करेगी खराब। शमशेर जी, ये अदालत है, वकील साहब कार्रवाई शुरू की। ये जो तो पहनी है ना तूने पकड़ी, इसी के नीचे आके मरेगी तू, देखना। इतना सा मुंह है, इतनी बड़ी इसको वो दे दी ऊपर।
हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। हाँ जी करने दो उनको। तो देखिए माय लॉर्ड, तुम पहले भी इधर कार्रवाई कर गए थे, उधर ही हो गए करना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ माय लॉर्ड, हमारा आरोप है कि यहाँ पर जो आहना जी हैं, कुणाल जी हैं, ये हनीमून मनाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता की वजह से ये हनीमून ना मना पा सक रहे। हाँ तो क्या हो गया, घर वालों के भी तो कुछ औलाद को लेके कुछ सपने होते हैं ना जी। अरे लेकिन शादी के बाद औलाद के भी कुछ वो वाले सपने होते हैं। बड़े नोटी हो तुम, बहुत नोटी तुम, बहुत ज्यादा नोटी हो। अब वो वाले सपने कौन पूरा करेगा बताओ, है कि नहीं? कसम खाओ, क्या मैंने आपके कभी वो वाले सपने पूरे नहीं किए? अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं तितलियाँ। तुम तो मेरी बात वैसे भी नहीं करते। अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद ना, सच्ची कह दो, मैं चली जाती हूँ तुम्हारी लाइफ से, या तुम यहाँ से दबा हो जाओ। ए तितली, हम तुम्हें भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता, और तुम हमें भूल जाओ ऐसा हम होना नहीं देंगे। हेलो 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 हेलो, दो ट्रक आपस में भिड़ गए। बहुत ज्यादा पले हुए आदमी, क्या आरोप था तुम्हारा? तो जज साहब मिलॉर्ड, हमारा आरोप है कि हाना और कुणाल यहाँ पे हनीमून मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके माँ बाप इनके घर में आ जाते हैं, और एक जोड़ी माँ बाप नहीं, दो दो जोड़ी माँ बाप, अच्छे खासे हनीमून का सैंडविच बन जाता है। और ये आरोप साबित करने के लिए हमारे पास गवाह भी है। क्या है गवाह? हम उसे बुलाना चाहेंगे। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। वो सब ओरिजिनल है, तुम बताओ ओवर डुप्लीकेट औरत। मैंने तुम कहाँ से आ गई? हमने गवाह को बुलाया था, गवाह कहाँ है हमारा? गवाह की मैंने पीछे गवाही सुनी थी, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। हाँ तो मैंने उसको तेल लगा कर ना धूप में सुखाने को छोड़ दिए लाए। हाय सैंडविच कैसे है? ये जो आपकी फिल्म है ये फैमिली मैटर के ऊपर है ना? बिल्कुल। तो मेरे को एक चीज जानने का था, जो सीरीज है सैंडविच, ये सास ससुर के साथ देखने का है कि सौ ससुर के साथ देखने का है? बहुत मजा है मेरे को। क्या बात है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है अतुल जी, क्या मस्त आर्टिस्ट है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अतुल जी मैं आपको एक सलाह दूं क्या? जी। जब भी कोई बच्चे बिच्चे आपसे मिलने के लिए आते हैं ना, उनको ना डांटना फटकारना, उनसे कभी प्यार मत करना सर। क्यों? पता क्यों? क्योंकि अगर बच्चों को देख के इनके अंदर की ममता जाग गई तो ये अतुल कुलकर्णी से ममता कुलकर्णी हो जाएंगे ना। हाय जाकिर जी। हेलो हेलो। अरे यार बचपन से मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन? हाँ। आप तबला नहीं लाए साथ में अपना? यार ये वो वाले जाकिर हुसैन नहीं है, और हारमोनियम भी नहीं लाए हैं। तो डफली ले आते। अरे यार म्यूजिशियन ही नहीं है तो डफली क्यों लाएंगे? हाँ तो ये भी तो म्यूजिशियन नहीं है, अपना इंस्ट्रूमेंट लाते ना ये लोग। हाय कुणाल जी। हेलो, कैसे आप? बस बिल्कुल ठीक। अच्छा मेरे को आपको बोलने का था, विद्या बालन जी से कोई भी काम रहेगा ना मेरे को बताना। एक मिनट चुप करो आंटी, आप विद्या बालन जी को जानती हो? नहीं जानती नहीं, मैं उनको बोलती कि आपके देवर को आपसे काम में करवा दो ना, ऐसे करके मैं बोलेगी उनको। यार मेरी बात सुनो, वो रिश्तेदार देवर भाभी आपस में काम की बात कर लेंगे, तुम बीच में ताई क्यों बन रही हो? अरे देवर भाभी के बीच में मजाक का रिश्ता रहता है, काम का रिश्ता नहीं रहता है, समझा? अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोगों को किसी को भी गोविंदा जी से कोई काम होना तो हमें बताइए। क्योंकि है क्या कि यहाँ पर देवर भाभी के बीच मजाक का रिश्ता तो है, लेकिन एक है मामा भांजा जिनका अब कोई रिश्ता है ही नहीं। एक तो मैं वैसे पैचअप करने का सोच रही, मेरा और काम खराब कर रही तू। एक मिनट, एक मिनट। अब नहीं होगा। शमशेर जी मैं भी इधर आरोप लगाने के लिए आई लिए। तो उधर जाके लगाना, इधर तो है नहीं, जगह ही नहीं है। और मेरा आरोप है ये डायरेक्टर साहब के ऊपर, ये इधर जो बैठे ले। हाँ ये सैंडविच के अंदर इनका भी ककड़ी टमाटर लगा, पैसा लगाए मेरा मतलब है। हाँ क्या बात है भरत जी, सैटरडे संडे हम लोग को दाल खिचड़ी सिर्फ, और मंडे टू फ्राइडे आप सैंडविच। नहीं नहीं तो मजाक रहता है, तो मजाक है, लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके आर्टिस्टों के लिए।
इनके आर्टिस्टों के लिए हम लोग मेहनती है, तब जाके आराम से सैंडविच बनाया उन्होंने, वरना बनता नहीं ऐसा इजीली सैंडविच, है कि नहीं? वैसे अपना डायरेक्टर साहब, घर की बात थी, आप हमें भी पूछ लेते, डेट्स और बजट हम एडजस्ट कर लेते, है ना? नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा डायरेक्टर साहब, मतलब सीरीज में आना ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन रोल के लिए मतलब मैं भी कास्ट हो सकती थी। अच्छा मुझे लगा घटिया बात मैंने की है, पर नहीं। तुम जीत गई। अच्छा ये बहुत हो गया सैंडविच। हेलो कुकृति साहब, अब मुझे और आहना को लेकर पैनकेक बनाओ। एक काम कीजिए, हमें और आहना को लेकर बर्गर बनाइए ना। वो तो तुम पहले से, आहना को बीच में क्यों डाल रहे हो? प्रोड्यूसर साहब, आप मुझे और बूरी को लेकर मूंग की दाल की खिचड़ी बनाओ। या तुम बिरयानी भी बोल सकते थे ना। देखो मुंह तुम्हारा मूंग दाल जैसा है, उसकी बिरयानी नहीं बनती। जज साहब, ये चील जैसा मुंह लेके आप फ्लर्ट करते अच्छे नहीं लगते। मेरे हिसाब से तमाम गवाहों और अपना सबूतों को बर्दाश्त करते हुए मुझे तो लगता है अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि सैंडविच देखना चाहेगा। तो आना घर बुलाना और बुला के सैंडविच दिखाना, भूल मत जाना। इसी नाटकीय मोड़ पर एक अच्छी सी सेल्फी ले लेते हैं और खत्म करते हैं, आइए प्लीज। लेकिन वो जो आसपास सफाई वाला है ना, वो आज मैं बोलेगी। हाँ, अपने आसपास सफाई बना के रखो, तो आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, किसी से भी मिलते वक्त 2 गज की दूरी रखें। पहले आपस में तो रखो। मास्क जरूर पहने और हाथ तो धोते ही होंगे ना आप। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.